खबर शिवपुरी के एसपी ऑफिस से है, जहां सोमवार को अपनी फरियाद लेकर पहुंची एक विवाहिता ने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज एक्ट का मुकदमा दर्ज करने सहित बच्चों के पालन पोषण के लिए भरण पोषण भत्ता दिलाए जाने की मांग की है। जानकारी के अनुसार सोनम पत्नी सत्येंद्र परिहार निवासी करेरा हाल निवासी करौंदी कॉलोनी शिवपुरी ने बताया है कि उसकी शादी साल 2019 में करोड़ा के सत्येंद्र परिहार से हुई थी और शादी के कुछ समय बाद ही पति सत्येंद्र, ससुर हौतम और सास गुड्डी बाई उसे दहेज में 1,00,000 रुपए और बाइक की मांग करने लगे। इस दहेज की मांग को पूरी नहीं करने पर ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करने लगे। विगत 23 नवंबर 2023 को उसके पति सत्येंद्र ने दहेज की मांग को लेकर शराब पीकर उसके साथ बेल्टों से मारपीट की, जिससे वह बेहोश हो गई। बाद में पति मुझे मायके करौंदी कॉलोनी शिवपुरी छोड़कर भाग गया। पति सत्येंद्र, ससुर होतम और सास गुड्डीबाई कह रहे हैं कि दहेज में 1,00,000 रुपए और बाइक दो तभी तुम्हें घर में रखूंगी। प्रीता ने पुलिस से आरोपी पति और सास ससुर के खिलाफ दहेज एक्ट का मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। हर जगह